वाह, परफेक्ट, एकदम रसीला। सूजी का हलवा हमारा बन के है रेडी। देखा आपने कितना सुंदर लग रहा है देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आप मेरे तरीके से एक बार इस हलवे को बनाकर जरूर देखना। तो उसके लिए तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। और सावन स्टार्ट हो गया है तो भोलेनाथ की कृपा से आप अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम रसीला सूजी का हलवा, जो आपके स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट का हमें जरूरी ध्यान रखना है। ये हमने एक बाउल सूजी ली है, सूजी आपके पास जैसी हो उस हिसाब से। ये हमने एक कटोरी ली है, तो इसी से हमें नाप रखना है अपना सूजी का। एक कटोरी हमने सूजी ले ली है, एक कटोरी हमने सूजी ली है, उसी कटोरी का नाप करके हमने एक कटोरी दूध ले लिया है। जी हाँ, हम इसे दूध से बनाने वाले हैं। आप एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखना। इसको अब हम मिक्स कर देंगे, सूजी को अच्छी तरीके से इसमें हम मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है सूजी को हमने, मिक्स कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम 10 मिनट के लिए सूजी को फुलाने के लिए रख देंगे इसी में। तो फूल जाएगी ना सूजी, तो एकदम परफेक्ट सूजी का एकदम रसीला हलवा बनके तैयार होगा। जब तक हमने सूजी को फुलाने रखने हैं, आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। गैस पर एक पैन रख लेंगे, इसको रख देते हैं ढक करके 10 मिनट फुलाने के लिए। गैस पर पैन रख दिया है, एक कटोरी हमने सूजी ली है, एक कटोरी सूजी ली है तो 2 कटोरी हम इसका पानी ले लेंगे। इसका मतलब है 2 गिलास का पानी लेना है चीनी का। ध्यान से इसका मेजरमेंट आप देखिए, आपका हलवा बिल्कुल रसीला बनेगा। 2 कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल दिया है, अब इसको पानी को हम इस चीनी को पानी में मेल्ट करेंगे। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस अच्छी तरीके से चीनी को मेल्ट कर इसको हमें बॉईल करना है। धागे डाल देंगे, इससे क्या है हमारे हलवे में कलर बहुत अच्छा आएगा, स्वाद भी बढ़ जाएगा। 6 से 7 हमने केसर के धागे डाल दिए हमने, और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको हमें अच्छी तरीके से बॉईल करना है। आप चाहो तो इस टाइम पे ना इसमें इलायची डाल सकते हो, इलायची का पाउडर। शुगर सीरम अच्छी तरीके से बन चुका है, केसर ने भी बहुत अच्छा कलर छोड़ दिया है अपना। देखा आपने कितना अच्छा कलर हो गया है, इससे क्या है हमारे हलवे में परफेक्ट कलर आएगा। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद, गैस को हम बंद कर देंगे। गैस बंद कर दी है, इसको हम साइड में रख देंगे। हम अपने बैटर को चेक कर लेंगे, 10 मिनट हो चुके हैं। वाओ, बैटर हमारा अच्छी तरीके से फूल चुका है, सारे दूध को सोक कर लिया है सूजी ने, तो बैटर हमारा फूल चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई रखेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम घी डाल देंगे पहले 1 चम्मच। पहले हम थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा घी इसीलिए डालेंगे क्योंकि पहले इसमें हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स को इसमें थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको हमें रोस्ट करना है, फिर हम फ्राई हो चुके हैं, निकाल देंगे इनको हम। इसी तरीके से इसमें हम किशमिश डालेंगे, उनको भी फ्राई कर लेंगे। इनको भी निकाल लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसमें घी और डाल लेंगे हम, क्योंकि हमें बहुत सारा घी इसमें ऐड करना है, तो इसमें घी हमने और डाल दिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और डालेंगे। अब हमने जो सूजी भिगो के रखी थी ना, उसको इसमें हम डाल देंगे। इस तरीके से लग रहा है ना, बिल्कुल मावे जैसा, हमें इसका टेक्सचर बिल्कुल मावे जैसा हो गया है। डाल दिए हमने, अब इसको हम चलाते चलाते इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको हमें पकाना है। जब तक पकाना है इसका कलर हमारा सूजी का चेंज नहीं हो जाता, जब तक हम इसको पकाएंगे। इसको हमें चलाते चलाते
बिल्कुल कलर चेंज हो जाए जब तक इसको हमें पकाना है। सूजी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, हमने इसको धीमी आंच पर बिल्कुल पकाया है, हमें कम से कम से 8-10 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। अब क्या करेंगे, इसमें हम जो शुगर सीरम बना के रखा था ना उसको इसमें हम डाल देंगे। इसमें हमने इसको डाल दिया और इसको हम पकाएंगे। अभी मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है हमें। अब क्या करेंगे, हलवा हमारा पक चुका है, थोड़ी सी ऊपर से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, थोड़ी सी, क्योंकि इससे क्या है, ऊपर से चीनी डालने से हमारे हलवे में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। इस तरीके से हम थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे, इसको 1 मिनट और पका लेंगे। किशमिश ऐड कर देंगे हम, बादाम हम ऊपर से ऐड करेंगे। हलवे को हमारे पक चुका है, 1 मिनट हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। देखा आपने, हलवे को हमने सर्व करने के लिए निकाल लिया है। हलवा हमारा कितना रसीला बन के तैयार हुआ है ये आपको नजर आ रहा होगा हमारे पैचुले की सहायता से। अब हम क्या करेंगे, इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से। हलवे को हमने सर्व कर लिया है, देखा आपने कितना देखने में कितना सुंदर लग रहा है, देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। आप एक मेरे तरीके से इस हलवे को बनाकर जरूर देखना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ये जरूर बताएं। ऐसे ही रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है, तो आप इसी तरीके से एक बार बनाकर जरूर देखें। कितना सुंदर हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है, देखा आपने, एकदम रसीला रसीला, एकदम टेस्टी और देखने में इतना सुंदर कि आपके मुंह में पानी आ जाए। अगर रिश्तेदारों को दे तो वो भी आपको बार बार पूछे ये हलवा कैसे बनाया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड।